हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और आपने देख लिया होगा हमारा थंबनेल और साथ में टाइटल भी पढ़ लिया होगा। ये हफ्ता और ऊपर से मैं किचन में मोस्टली मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ। आज हम कुछ करने वाले हैं किचन में अफरा तफरी। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, आज हम बनाएंगे कुछ ऐसी होममेड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स जो आपकी कोल्ड ड्रिंक का जो आप बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उनको मात दे देगी। अब आपको गर्मियां आ रही हैं और हमें जब भी अंदर से लगता है ना कि गर्मी आ रही है, हमें पता नहीं क्यों ये माइंड सेटअप बना रखा है कि कुछ ठंडा ठंडा पियेंगे ना, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो वाह हम अंदर से रिफ्रेश फील करते हैं। सही कहा ना मैंने, आजकल वो टाइम भी नहीं है। हम फ्रिज में भर भर के बॉटल रख देते हैं कोल्ड ड्रिंक की, एक के साथ एक ऑफर लग के रखा है, जस्ट घर में ले आए फ्रिज में ठूस दी। राइट, कोई गेस्ट आया, पानी पूछा, चाय तो गई इधर उधर, पहले तो हम कोल्ड ड्रिंक ही सर्व करते हैं कि क्योंकि गर्मियां हैं कुछ ठंडा सर्व करते हैं। चलो जहां तक सर्व करने की बात आ गई, दूसरों के बारे में नहीं पर अपने बारे में तो सोचिए गाइज। फिर आप लोग कहते हो कि मोटापा नहीं जा रहा है आपका, पेट फूलता रहता है आपका, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रहती है और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कभी खुद आपने बहुत कोई भी वीडियो देखी है बहुत ज्यादा फेवर में हो कि नहीं यार ये कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, वो कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी है, एक भी वीडियो देखी होगी ना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि कोल्ड ड्रिंक्स आर गुड फॉर हेल्थ, देख लेना डाल के। बहुत थोड़े बहुत अमाउंट में कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार एक आधा गिलास पी लिया, नॉट अ प्रॉब्लम। पर गर्मियों में तो यार ये रोज का ही सीन हो जाता है कि कोई बाहर से आ रहे हैं थके हारे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, कोई गेस्ट आ रहा है कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। तो मैं आज आपको तीन तरह की ऐसी होम मेड जूसेस या ड्रिंक्स कहें बनाना बताऊंगी जो आपके घर में चाहे गेस्ट आए या आप बोर हो रहे हैं या आप बाहर से थके हारे आए हैं, इंस्टेंट बन जाएंगी। कोई फैंसी वो नहीं है, इंस्टेंट बन जाएगी घर की चीजों से ही। मोस्टली ये फ्रूट और ये वेजीज ये चीजें आपके घर में अवेलेबल होती है, सो वाई वेस्टिंग मोर टाइम। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ जो हमारा पहला जूस है जिसका नाम रखा है मैंने मेंटोस। क्वाइट फनी, इसका नाम मैंने रखा है मेंटोस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नाम मेंटोस कैसे है। तो जो हमारी ड्रिंक है मेंटोस, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए वाटरमेलन। हमारे पास मैंने ले लिया वाटरमेलन काट के, सबके घर में अवेलेबल होता है राइट। और हमें सेकंड चीज चाहिए पुदीना। डोंट वरी, इतना सारा यूज नहीं करेंगे, आपको तीन अलग अलग तरह के दिखाने हैं तो इसीलिए इस क्वांटिटी में लिया है। तीसरा हमें चाहिए अदरक, ये ऑप्शनल भी रख सकते हैं अगर इसको सिर्फ एज रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको ट्राई करना है तो आप चाहे अदरक स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि इससे वेट लॉस भी हो तो अदरक जरूर ऐड कर देना, पूरा नहीं तो हाफ इंच अदरक का टुकड़ा। एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया। अब हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अदरक डाल दिया इसमें चार पांच हिस्सों में काट के, एक इंच जैसे कहा था आपको। जो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है या फर्स्ट कह ले मेन, अब डाला हमने इसमें वाटरमेलन। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, बीज की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कच्चा ही है वाटरमेलन, तो बीज भी डाल सकते हैं। और तीसरी चीज चाहिए हमें पुदीना। इसमें डलेगी हमारे पुदीने की गुडनेस होगी, इसमें वेट लॉस प्रॉपर्टीज होंगी, रिफ्रेश करेगा। और तीनों चीजों को हमने कर लिया पाक, हमने डाल दिया और अब हम इसको करेंगे। तो अब जो हमारा जूस है वो बनके तैयार है, सर्व करने के लिए रेडी है। और आपको आप कोशिश करें कि इसको आप जो है छाने ना। जूस हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें आइस ऐड कर देना है कूलिंग इफेक्ट और देने के लिए। और जो हमारा जूस है आप देख सकते हैं वो बनके रेडी हो गया है। ये इसको कह सकते हैं पावर पैक है, वेट लॉस में हेल्प करेगा, रिफ्रेशिंग है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखेगा, वाटर कंटेंट से भरपूर है, मीठे की क्रेविंग को भी दूर करेगा और बाहर से जो आप एक कोका शोका कोला लेके आते हो ना उससे लाख गुना बेटर है। और जो सेकंड ड्रिंक हम बनाने वाले हैं इसका नाम वो हमारा होने वाला है सोडा मोइतो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपको चाहिए एक गिलास, गिलास में आपने डालने हैं 6 से 7 पुदीने के पत्ते, ऐसे इस हिसाब से कटिंग किया हुआ। आपने डालने हैं लेमन के पीसेस और इसके बाद हमने जो है इसको क्रश कर देना है अच्छे से ताकि जो आपका पुदीना है लेमन है उसका रस निकल जाए अच्छे से। देख सकते हैं अच्छे से क्रश हो चुका है ये। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख सकते हैं कितने लोगों की बना रहे हो। एक चुटकी नमक डल गया इसमें और साथ में ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच इसमें चीनी। आप चाहो तो गुड़ शक्कर अपने अकॉर्डिंग किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा हमने फिर इसको क्रश कर दिया
अब ये हमारा जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो मेन इंग्रेडिएंट थे वो इसके रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने इसमें डालनी है आइस और ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको कहा सोडा। और जो हमारा मोहितो था वो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है ये ऑलमोस्ट आपको हद आपको 5 या 6 कैलोरी होंगी इसमें, वो भी जो आपने नमक या चीनी डाली एक एक चुटकी, अदरवाइज नींबू ऑलमोस्ट नो कैलोरीज, आपने पुदीना लिया 10 कैलोरीज बोल सकती हूँ मैं, एक गिलास घर का बना मोहितो आपको बना 10-15 कैलोरीज का, और यही आप अगर एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेते तो आपको कम से कम 90 कैलोरीज मिलती, तो चॉइस आपकी है। तो गाइज ये है हमारी आखिरी जो हम ड्रिंक बनाने वाले, इसका नाम है हरी भरी लस्सी। अगेन हमें इसके लिए चाहिए पुदीना। यू विल बी सरप्राइज, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं हर उसमें पुदीना क्यों यूज करी। गाइज मैंने अगेन बताती हूँ, मैं गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा इंटरनल गर्मी हो जाती है, मतलब हमें कोल्ड ड्रिंक पी के कुछ देर के लिए तो सुकून मिलता है लेकिन जो अंदर का जैसे जो पित्ता होता है ना गर्मी की वजह से हमारे शरीर को ज्यादा गर्मी लगती है, थोड़ी देर के लिए ठंडक मिलती है लेकिन ज्यादा नहीं। तो ये जो पुदीना है वो नेचुरली आपकी तासीर को ठंडक देने में हेल्प करेगा, तो इसलिए हर एक ड्रिंक में ये है। और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपकी पुदीना, आपके इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पीरियड्स के पीएमएस के जो सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करता है। सबसे मेन तो यही है जो गर्मियों में हमें चाहिए कि आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैंने यहाँ पे दही ले लिया है और मैंने अपना मिक्सी में ऐड कर देना है दही, या आप 100-150 ग्राम दही जितना आपको लगे, डिपेंड करता है आप कितने लोगों के लिए बनाने वाले हो। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें पानी और अब मैं इसमें डालूंगी कोई 10 की पत्ते पुदीने के डाल दिए, ठीक है। और अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको मीठा नमकीन कैसा बनाना चाहते हो, मुझे सादी भी पसंद है तो मैं इसको सादी ही रखूंगी, अदरवाइज ये काला नमक है मेरे पास, फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए चुटकी भर मैंने इसमें काला नमक डाल दिया। कुछ लोगों को मीठी पसंद होती है वो उसमें एक आधा चम्मच जो है उसका भी डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चीनी का भी ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद इस पे लगा देंगे हम लेड और ये कर लेंगे हम इसको। तो जो हमारी हरी भरी लस्सी है अब वो रेडी हो चुकी है। वाओ, इसको आप सर्व कर लीजिए। मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि सिर्फ अपने लिए बनाई है, ऊपर से थोड़े से पुदीने के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ठंडक देने के लिए इसको थोड़ा सा अगर आप डालना चाहो बर्फ डाल दीजिए। और जो हमारी हरी भरी लस्सी थी वो बन के रेडी हो चुकी है। सो गाइज ये थी 3 आसान आसान सी रेसिपीज होममेड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की जो आप ट्राई कर सकते हो घर में, ना ही ये सिर्फ आपको रिफ्रेशिंग लाइक कोल्ड ड्रिंक के सब्सिट्यूट में अच्छी हेल्प करेगी कि कोल्ड ड्रिंक ना हो तो घर पे ये बना के पी सकते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के इतने फायदे तो है नहीं जितने इन ड्रिंक्स के हैं, पर साथ ही साथ आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। सो इनको ट्राई जरूर करना घर पे और अगर अच्छी लगी हो तो इनको शेयर कर देना, लाइक कर देना हमारी वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव।